हेलो फ्रेंड्स, ये है सैमसंग का वायरलेस चार्जर स्मार्ट वॉचेस के लिए। इसके थ्रू सैमसंग स्मार्ट वॉचेस को चार्ज किया जाता है। आइए देखते हैं कि सैमसंग के इस स्मार्ट वॉच चार्जर के अंदर क्या होता है। मैं हूं डॉक्टर भुवेश और आप देख रहे हैं बीसीडी टेक यूट्यूब चैनल को। अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो सबसे पहले मुझे इस पैड को निकालना होगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडहेसिव से इस रबड़ के पैड को चिपकाया गया है। तो रबड़ का ये जो पैड है ये निकल गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक स्क्रू है और इसके अंदर भी एक स्क्रू है। चलिए स्टिकर को भी बाहर निकालते हैं। बस दोस्तों यहाँ पर दो ही स्क्रू हैं। चलिए इन स्क्रूज को निकाल देते हैं और उसके बाद बेस को उठाने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर एक प्राइम टूल ले रहा हूँ और इस प्राइम टूल को मैं डाल देता हूँ यहाँ पर और उठाते हैं बेस को। तो इसका जो बेस है वो सेपरेट हो गया है ऊपर वाली असेंबली से। और अगर बेस की बात करें तो यहाँ पर मिल जाएगा इसका मेन बोर्ड। चलिए बोर्ड को बाहर निकालते हैं। दो स्क्रू हैं यहाँ पर। चलिए अब बोर्ड को उठाते हैं। तो यह है इस चार्जर का मेन बोर्ड। इसमें यूएसबी पोर्ट है, कुछ यहाँ पर आरएफ सेक्शन है जो कि सील्ड है। काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर कैपेसिटर्स हैं, इंडक्टर्स हैं, आईसीस हैं। और पीछे की बात करें तो यहाँ पर एक आरएफ सेक्शन है, दो कनेक्टिंग पैड्स हैं जो कि ऊपर इस आरएफ कॉइल से कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पर एक रबड़ की गैसकेट है, आई थिंक ये लाइट के लिए होगी। हाँ, यहाँ पर एक एलईडी है। तो यह है इस वायरलेस चार्जर का बोर्ड। यहाँ पर लिखा हुआ भी है Y0600। चलिए इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं बेस को। बेस में काफ़ी सारी मेटल का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये भारी बने रहे और वॉच का जो वेट है उसको झेल पाए। चलिए अब टॉप को देखते हैं। टॉप में है एक कनेक्टिंग पैड और आई थिंक यहाँ पर एंटीना होगा। चलिए बाहर निकालते हैं इसको भी। हाँ दोस्तों, यहाँ पर एंटीना है। अगर आप देखोगे काफ़ी सारी छोटी छोटी मैग्नेट्स हैं यहाँ पर। एक कॉइल एंटीना है और ये इसका कनेक्टिंग पैड है। मेटल की यहाँ पर डिस्क है ताकि जो आरएफ है वो पीछे की साइड को लीक ना करे, या फिर एज ए कंपनसेटर मतलब कि डमी लोड का इस्तेमाल किया हो, अब क्या पता। तो यहाँ पर काफ़ी सारी मैग्नेट्स हैं छोटी छोटी और साथ में आरएफ कॉइल है। तो ये होता है सैमसंग के इस वॉच चार्जर के अंदर। दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि सैमसंग के इस वायरलेस चार्जर के अंदर क्या होता है। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वारी हो इस वीडियो को लेके, इस टॉपिक को लेके, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं अब इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आती है लाइक बनता है, शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी जान पाए कि सैमसंग के इस छुटके से वायरलेस चार्जर के अंदर क्या होता है। नमस्कार।